बहुत गर्म है. थैंक यू. गुड टू सी यू ऑल. आप बहुत ही एक्साइटेड हैं उसका जो बर्थडे पे. उनकी बुक लोगों को बताइए कि क्या विश करना. हालांकि आप अपने अंदर बातें करिए फिर क्या विश करना चाहेंगे आप. वो आई थिंक उनकी किताब पढ़कर मुझे लगा कि वो बहुत ही सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी जीती है. एंड आई होप शी कंटिन्यूज टू डू दैट. वो हमेशा जब मुस्कुराती है तो खिलखिलाती है. एंड आई विश हर दैट स्माइल दैट जॉय दैट हैप्पीनेस ऑलवेज. बट कंग्रेचुलेशंस ऑन द लॉन्च ऑफ ओपन बुक. ये थैंक यू. और उनका जन्मदिन भी है आज. सो हैप्पी बर्थडे. या मैं बहुत खुश हूँ ये देखकर कि ये क्या क्या कर लेती है. ये बहुत सारी चीजें कर लेती है. उनकी कौन सी क्वालिटी आपको बहुत पसंद आती है. वो किसी भी चीज से डरती नहीं है. आई थिंक दैट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट हर. इसीलिए जो भी करती है अच्छे से करती है. मैम हाल ही में सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह ने अपना पोस्ट लोगों में आग लगा दिया. अरे क्या प्रॉब्लम है. पहली बार कोई आदमी ऐसा कर रहा है. हम लोगों को भी आंखें सेकने दीजिए ना. FIR हो गया और कई जगह कपड़ा भी ऑर्डर किया जा रहा है. शायद उन लोगों के पास ज़्यादा काम नहीं है तो इसीलिए इन चीज़ों पर वो वक्त गंवा रहे हैं. अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो पेपर बंक कर दीजिए, फेंक दीजिए, जो करना है करिए. FIR के चक्कर में क्यों पड़ना है. थैंक यू. अरे अपना पीछे वन वो चल वाले. I have actually known her over a year, right? And she is friends with my wife first, and उनके साथ मैंने काम भी किया है हाल ही में. और इनकी जो जर्नी मैंने एक एज अ दर्शक देखी, एज एन ऑडियंस, एज अ फ्रेंड एंड नाउ एज अ को वर्कर, क्योंकि पिछले साल हमने एक शो साथ में बनाया था. और अब उनकी किताब मैंने खुद पढ़ी है. आई थिंक सी दिस जर्नी अनफोल्ड इज सो ब्यूटीफुल, इज सो होलसम. एंड शी इन योर लाइफ ऑलरेडी इज सो वंडरफुल. आज पहली बार मैंने देखा तो होस्ट नहीं करी थी, चुपचाप बैठ के शी इज एंजॉयिंग यू नो बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ विद्या टॉकिंग अबाउट द बुक सो ब्यूटीफुल टॉकिंग अबाउट इट. एंड इट फील्स मी विद सो मच प्राइड टू सी हर डू दिस सो ब्यूटीफुली. Happy birthday. Happy Thank birthday. You. So, क्या कुछ साथ में आपका आने वाले थे कि आपने बताया कि यार मैंने और गुबरा ने पिछले साल ना एक ऑडियो सीरीज की थी माइन एंड योर्स और बड़ा मजा आया था उसमें. तो अगर एक बार काम कर चुके हैं तो फिर मतलब यू नो आई मीन इट्स जस्ट वो फर्स्ट टाइम क्रैक करना ना मुश्किल होता है, उसके बाद बहुत आसान हो जाता है. उसके बाद पीपल स्टार्ट सीइंग यू टुगेदर, अंडरस्टैंडिंग यू टुगेदर. या सर कटरीना कैफ और नो रणवीर सिंह. ओके मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो किताब है ना ओपन बुक, इसमें मेरा जो फेवरेट चैप्टर है. एक्चुअली बहुत सारे हैं. एक्चुअली देयर आर सो मेनी एनेक्डोट्स इवन द वन व्हेयर यू स्पीक व्हेयर यू टॉक अबाउट 2008 कमिंग लाइक दीस आर क्लियर मेमोरीज आई हैव. इट्स सो ब्यूटीफुल. Dubai, so you got that ticket and you had to, you know, you said you can't make Can it. Can you there. Imagine that? I was like, wow, man, it felt, so I could relate to it a lot because, you know, I mean, all of us are outsiders to a great extent in this industry and like proudly so, but to see someone else share so openly and share so generously, I think it's beautiful because it's hard to do that, you know, especially when you've sort of done a fair bit, you've achieved a fair bit of success. It's very easy to keep it close to your these are my cards. Yeah, but it's I think it's very pertinent to what I think you've called it open book, and that's exactly what it is. It's so funny. I'm like actually answering your question. I'm like yeah as if someone else wrote the book. I'm like haan ye kisi aur ki kahani hai. ye mujhe chhodenge nahi dost kyunki log bahut hi confused hai. एडिटेड है यार आज तो ओपन बुक के बारे में बात कर रहे हैं यार. नहीं 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 ये क्या पोस्ट है. ओपन पोस्ट भी है तो लोग थोड़ा सा ये मेरा आई टेल यू व्हाट ये मेरा कुबरा के लिए प्री बर्थडे गिफ्ट था एंड सिंस शी इज लाइक द कार्पेट सो मच आई एम गोना सेंड इट टू हर. ये लोगों का कहना है कि वो पोस्ट और रणवीर सिंह का पोस्ट दोनों सेम है.
पता नहीं ऐसे है सच में. I mean I don't know यार. I have no idea. Edited है या आप? I have no idea आप क्या बोल रहे हैं. Thank you so much यार.